हाल के दिनों में इस किताब ने काफ़ी तहलका मचा रखा है। विलियम डैलरिम्पल की किताब है द अनार्की। आए दिन इसके रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, ये चर्चा में भी है और काफ़ी इसके बारे में जिक्र भी हो रहा है। लेकिन मैं इसके एक दूसरे पहलू के बारे में बात करना चाह रही हूँ। 1817 में एक अंग्रेज़ थे, वो भी स्कॉटलैंड के थे, जेम्स मिल, जिन्होंने एक किताब छापी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कमाल की बात यह है कि वो कभी हिंदुस्तान आए नहीं थे और उन्होंने उस किताब के ज़रिए इतने बड़े एक खड़ा कर दिया एक मसला जो जिसके जिसमें हम आज भी हम उसमें जूझ रहे हैं। उन्होंने उस किताब को डिवाइड किया हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो हिंदू और मुस्लिम उन्होंने डिवाइड किया उस पर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस वक्त वो कह रहे हैं हिंदू पीरियड, उस वक्त भी सिंध में और सब जगह कुछ मुसलमान हुकूमतें थीं। जब वो मुस्लिम पीरियड कह रहे हैं तो मुस्लिम पीरियड में विजयनगर की किंगडम थी, जो मुस्लिम किंगडम नहीं थी। तो ये इन्होंने आखिर इस तरह की डिवीज़न क्यों दी? और फिर वो ब्रिटिश पीरियड क्यों हो गया, वो क्रिश्चियन पीरियड क्यों नहीं हुआ? अगर आप मज़हब के दौर के बिना पर ही कर रहे हैं तो फिर सभी मज़हब पे होना चाहिए। बहरहाल उनका मकसद ये था कि जब अंग्रेज़ आए हैं और अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हुकूमत संभाली है हिंदुस्तान की, 1800 पहले वो आ ही गए थे, वो 1600 में उन्हें चार्टर मिलता है, वो आते हैं, तजारत शुरू करते हैं, फिर वो कलकत्ता पे, सूरत पे, फिर कलकत्ता पे, और फिर हल्के हल्के उन्हें सब जगह उनका चलती है ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, उन्हें दीवानी मिल जाती है बंगाल की और उड़ीसा की, और फिर वो दिल्ली पर भी काबिज़ हो जाते हैं। और जो मुग़ल बादशाह है वो सिर्फ एक अपने महल के अंदर, किला मुबारक जो लाल किला है उसके अंदर वो महदूद होकर रह जाता है। तो अब अंग्रेज़ जो थे, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, ये बात का ख्याल रखना चाहिए। तो उनको अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो ये दिखाते हैं कि हिंदू पीरियड जो था वो तो एक ग्लोरियस पीरियड था हिंदुस्तान का, लेकिन जो मुस्लिम पीरियड था वो बाबेरिक था, वो डार्क एजेस थे। और उस डार्क एजेस को दूर किसने किया? अंग्रेज़ों ने आके। ब्रिटिश पीरियड में वो डार्क एजेस ख़त्म हो गए। इस किताब में, इस वजह से इस किताब की इतनी अहमियत है कि डैलरिम्पल फिर वही, ये भी अंग्रेज़ हैं, ये भी स्कॉटलैंड के हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान में बहुत सालों से रह रहे हैं और ये हिंदुस्तान से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। ये बताते हैं इस किताब में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किस तरह से कुछ छल से, कुछ कपट से यहाँ से उन्होंने हुकूमत छीनी, किस तरह से उन्होंने जंगें भी अपनी छलकपट से ही जीती और किस तरह से हिंदुस्तान को लूटा। वो कहते हैं कि सबसे पहले वर्ड जो सबसे पहला हिंदुस्तानी लफ्ज़ अंग्रेज़ी डिक्शनरी में आया वो है लूट, मतलब लूटना। यहाँ से इतना लूट के ले गए। और हम जब आज के ज़माने में अगर हम बात करें, जो आजकल रहता है, काफ़ी डिस्कशन रहता है ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर, तो आप ये सुनेंगे कि मुग़लों ने तो पता नहीं हिंदुस्तान को कितना लूट लिया, जबकि इसका बिल्कुल किस्सा अलग है। ड्रेन ऑफ वेल्थ और लूटना अंग्रेज़ों ने किया। 1700 AD में जब मुग़ल एम्पायर अपने उरूज पे थी, इट कंट्रोल्ड अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स GDP, लीडिंग वो थी, क्या कहते हैं, एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। जो इसके जो लफ्ज़ हैं, और ये डैलरिम्पल अपनी किताब में इस बात का जिक्र करते हैं, छींट है, उसको चिंट्स के नाम से जाना जाता है अंग्रेज़ी में, पजामा है, डंगरी से, बहुत सारे हिंदुस्तानी लफ्ज़ हैं टेक्सटाइल्स के बारे में जो अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको थोड़ा सा एंग्लिसाइज करके, क्योंकि यहाँ से टेक्सटाइल जाती थी। और थोड़े वक्त के लिए हमने चाइना को भी मैन्युफैक्चरिंग में ओवरटेक कर लिया था। तो ये जो कहानी है, ये उसकी कहानी है कि किस तरह से मुग़ल जो सल्तनत थी वो कितनी रिफाइंड थी, कितने उसके अंदर, मतलब उसका जो आर्ट, उसका कल्चर, उसकी पेंटिंग, हर चीज़ अपने एक बिल्कुल ही अपने उरूज के ऊपर था, एक सिविलाइजेशन, और उसको ख़त्म किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके, अंग्रेज़ों ने आके। और जो अंग्रेज़, जैसे जो कहते हैं कि वो जो मुस्लिम रूल था वो बाबेरिक था, इसमें डैलरिम्पल इस बात का जिक्र करते हैं कि जब वहाँ पर फैमिन हुआ है बंगाल में 1800 में 18वीं सदी में कुछ जब होता है, इनको उस वक्त ये आ चुके हैं, हुकूमत कर रहे होते हैं कलकत्ता में, तो ये टैक्सेस कम नहीं करते हैं, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ अपने टैक्सेशन नहीं कम करते, ना ही कोई, जब इनकी लड़ाइयाँ होती थी, इनके जंग होते थे, तो उसमें भी लोग मरते थे, लेकिन सारा अगर आप देखें
तो किस्सा बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से ये किताब की इम्पोर्टेंस मेरी नज़रों में, और लोगों ने तो बहुत अलग अलग इसकी तरह की बातें की, एक ये भी बात है कि मारवाड़ियों ने, जैन बिजनेस वालों ने बहुत साथ दिया अंग्रेज़ों का, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये हमारा पैसा जो है अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा जो है वो महफूज रहेगा और मुग़ल तो अब डूबती नैया है। तो जो जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, बक्सर होता है, तो ये सारे इन्हीं लोगों ने इनको अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। ये तो 2% थे उस आर्मी में, जो 2 लाख की इनकी हिंदुस्तानी आर्मी थी उसमें अंग्रेज़ का की जो तादाद थी वो 2% थी, बाकी सब हिंदुस्तानी थे। और फंड कौन कर रहा था? यहाँ के हिंदुस्तानी मारवाड़ी और जैन ट्रेडर्स। तो ये सब बातें हैं, जो बहुत सी चीज़ें जो मैंने मतलब हम लोग ने तो खैर पढ़ी थी, लेकिन आज के दिन उनको नकार दिया जाता है कि ये सब गलत है, वो इस किताब में दिया गया है। एक बात और, मैं चलते चलते बस ख़त्म करने से पहले एक बात और ज़िक्र करूं कि मैं भी हाल में ही गई थी मुर्शिदाबाद, वहाँ के ऊपर मैं इनकी कब्र पे गई सिराजुद्दौला की। तो जो मेरे साथ लोग थे, गाइड थे लोकल और एक साहब और थे, उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको चूमा और उसके ऊपर मतलब पूजा की, फूल चढ़ाए, जो भी कुछ किया। और फिर उसके बाद मैं मीर जाफ़र की कब्र पे गई, तो वहाँ पे तो बिल्कुल कहते हैं ना जैसे हू बरस रही थी, बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ा हुआ था। यहाँ पे मीर सिराजुद्दौला की कब्र पे फूल थे, गुलाब था, सब था। ये इस बात का इस किताब में अच्छा, मैं फिर उसके बाद मिली एक वहाँ छोटे नवाब कहलाते हैं, वो मीर जाफ़र की औलाद में से हैं, तो उन्होंने मुझसे ऐसे बहुत दबी ज़बान से कहा कि गलती सिर्फ मेरे उनकी नहीं थी, जद की, इसमें जगत सेठ का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर वही बात आ जाती है कि जगत सेठ जो थे वो बैंकर्स थे मारवाड़ी, जिन्होंने मदद की अंग्रेज़ों की। और इस किताब में डैलरिम्पल कहते हैं कि सिराजुद्दौला का किरदार इतना अच्छा नहीं था जितना कहा जाता है, और मीर जाफर इतने बुरे नहीं थे जितना इन्हें कहा जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस किताब में, आप अपने आप पढ़ के देखिएगा।